डियर स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बीमारियाँ। यहाँ पर हम लोग मेन जो बीमारियाँ हैं, जो डिसीज़ हैं, उनकी बात करेंगे। इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कौन सी बीमारी ऐसी हैं जो वायरस यानी विषाणु के द्वारा होती हैं, कवक के द्वारा होती हैं और प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है या फिर जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग है। प्लेग, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन डिप्थीरिया, सी ऑप्शन तपेदिक और डी ऑप्शन सभी। यानी इसमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है ये आपका सभी है। यानी सभी बीमारियाँ जो हैं आपकी, ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए प्लेग की, तो प्लेग बीमारी जो होती है ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में जो प्रभावित अंग होगा ये फेफड़े होंगे, हमारे लंग्स। लंग्स में इस बीमारी का प्रभाव पड़ता है और हमारे बगलों के बीच में इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बगलों के बीच में इन्फेक्शन होता है प्लेग बीमारी में। लेकिन इस बीमारी का जो वाहक है एक चूहा है। नहीं, चूहों के द्वारा होने वाली जो बीमारी है आपकी, ये प्लेग है। प्लेग का एक दूसरा भी नाम है, इसको काली मौत भी कहते हैं। इसे काली मौत भी कहा जाता है क्योंकि ये बीमारी जब फैली थी तो एक महामारी के रूप में फैली थी और कई लोगों की जान भी गई थी, इसलिए इसको काली मौत कहा जाता है। यहाँ पर प्लेग जो बीमारी है ये जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। अब बात करते हैं हम लोग डिप्थीरिया के बारे में। जैसा कि डिप्थीरिया जो बीमारी है आपकी अगर बात की जाए, तो इसका जो जीवाणु है इसका नाम है कोरिनी वैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी वैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के द्वारा बीमारी होती है डिप्थीरिया। इसका बीमारी का अगर मुख्य लक्षण की बात की जाए, तो इस बीमारी में सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी व्यक्ति जो है ठीक से इसमें सांस नहीं लेता, क्योंकि इस बीमारी का प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे जो श्वसन तंत्र है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका, उस पर इस बीमारी का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर डिप्थीरिया बीमारी जो होती है ये जीवाणु के द्वारा होती है, और इसके जीवाणु का नाम क्या है, कोरनी वैक्टीरियम डिप्थीरी इसके जीवाणु का नाम है। और इस बीमारी में जो प्रभावित अंग है आपका वो श्वसन तंत्र है, क्योंकि इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। अब बात करते हैं तपेदिक की। तो यहाँ पर जो तपेदिक है ये टीबी है, तपेदिक को ही हम टीबी कहते हैं। टीबी की बीमारी जो होती है वही तपेदिक है। तो टीबी की जो बीमारी होती है ये जीवाणु के द्वारा होती है, और यहाँ पर इसका जो जीवाणु है इसका नाम है माइक्रो वैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। यहाँ पर टीबी बीमारी जो होती है ये माइक्रो वैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी का अगर मुख्य लक्षण की अगर बात करें, तो इस बीमारी में क्या होता है आपका, लगातार खांसी आती है, कफ आता है और मुंह से ब्लड आता है इस बीमारी में। तो इसका जो लक्षण है, लगातार खांसी आना, कफ आना और ब्लड आना, इसका लक्षण है। और ये बीमारी जो होती है ये माइक्रो वैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। और इस बीमारी में जो प्रभावित अंग है, जिस अंग पर इस बीमारी का प्रभाव पड़ता है, ये फेफड़े हैं, लंग्स। इस बीमारी में लंग्स पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, और बीमारी जो है माइक्रो वैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर टू, हीमोफिलिस पर्टुसिस जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। इसमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो हीमोफिलिस पर्टुसिस जीवाणु के द्वारा होती है। काली खांसी, बूफिंग कफ कहते हैं, टिटनेस, टाइफाइड या फिर कोड या लेप्रोसी। तो यहाँ पर हीमोफिलिस पर्टुसिस के द्वारा जो बीमारी होती है ये काली खांसी है, बूफिंग कफ। काली खांसी, बूफिंग कफ, इसमें क्या होता है, लगातार खांसी आना इसका मुख्य लक्षण है इस बीमारी का। और बीमारी जो होती है इसके लिए हीमोफिलिस पर्टुसिस नाम का जीवाणु इसके लिए
जिम्मेदार है काली खांसी बीमारी के लिए? इसमें प्रभावित जो अंग है हमारा ये श्वसन तंत्र है। इस बीमारी में जिस अंग पर प्रभाव पड़ता है वो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी श्वास नली पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं टिटनेस की, तो टिटनेस जो बीमारी है आपकी, इस बीमारी का जो जीवाणु है ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा जो बीमारी होती है ये टिटनेस बीमारी होती है। इस बीमारी का जो प्रभाव पड़ता है ये हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि इस बीमारी में जो प्रभावित अंग है आपका ये तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम। तो टिटनेस बीमारी जो होती है ये जीवाणु के द्वारा होने वाली एक बीमारी है, और जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा बीमारी होती है। इस बीमारी में जो प्रभावित अंग है हमारा ये मस्तिष्क या ब्रेन है, जबकि इस बीमारी का जो प्रभाव पड़ता है ये हमारा जो नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र है उस पर बीमारी का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं टाइफाइड, यहाँ पर जो टाइफाइड है इसको आंत ज्वर भी कहा जाता है, यहाँ पर जो टाइफाइड बीमारी है इसको आंत ज्वर भी कहते हैं, और ये बीमारी जो होती है ये सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा ये बीमारी होती है, क्योंकि इस जीवाणु का नाम क्या है, सॉल्मोनेला टाइफी इस बीमारी के जीवाणु का नाम है जिसके द्वारा बीमारी होती है। इस बीमारी का मुख्य जो प्रभाव पड़ता है ये हमारी जो इंटेस्टाइन जो आते हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एकदम पेट खराब भी रहता है और दस्त भी होती हैं और उल्टियाँ भी इसमें होती हैं, इसके मुख्य लक्षण हैं। तो कह सकते हैं कि सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाली जो बीमारी है ये टाइफाइड है। अब बात करते हैं कोढ़, या इसको हम लोग लेप्रोसी भी कहते हैं, कोढ़ या लेप्रोसी। कोढ़ जो बीमारी है इसमें जो प्रभावित अंग है हमारा त्वचा है, त्वचा पर इसमें चकते पड़ जाते हैं, चकते यानी धब्बे पड़ जाते हैं इस बीमारी में। कोढ़ बीमारी में त्वचा पर संपूर्ण शरीर पर चकते पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो होती है ये एक जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, और इस बीमारी का जो जीवाणु है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है कोढ़। तो यहाँ पर हमने बात की कि कौन कौन सी बीमारी ऐसी हैं जो जीवाणु के द्वारा होती हैं, तो काली खांसी जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, टिटनेस बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है, टाइफाइड बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है, और कोढ़ यानी लेप्रोसी बीमारी जो है ये जीवाणु के द्वारा होती है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिबियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, निमोनिया, हैजा, एनीमिया या फिर हीमोफीलिया। इसमें कौन सी बीमारी ऐसी है जो कि बिबियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा होती है? तो इसका सही जो आंसर है ये हैजा या कॉलेरा इसे कहते हैं। हैजा बीमारी जो होती है ये बिबियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी का जो वाहक है घरेलू मक्खी के द्वारा भी हैजा बीमारी फैलती है, जबकि ये बीमारी जो होती है दूषित जल से भी फैलती है, यानी कह सकते हैं कि हैजा जो है दूषित जल और दूषित भोजन से फैलने वाली बीमारी है, और घरेलू मक्खी के द्वारा होने वाली बीमारी है ये, और बिबियो कॉलेरी इसके जीवाणु का नाम है हैजा, इसे कॉलेरा भी कहा जाता है। अब बात की जाए निमोनिया की, निमोनिया बीमारी कैसे होती है, तो निमोनिया जो बीमारी है ये भी जीवाणु के द्वारा होती है। यहाँ पर ये बीमारी जो होती है ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे फेफड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, फेफड़ों में सूजन हो जाती है, तो इस बीमारी का जो प्रभावित अंग है हमारा वो लंग्स है,
छोटे बच्चों में बुखार आता है और फेफड़ों में स्वेलिंग जो होती है ये निमोनिया नामक बीमारी के द्वारा हो जाती है, जो कि जीवाणु के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। तो यहाँ पे हमने बात की निमोनिया के बारे में, हैजा के बारे में, अब बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या है? ये खून की कमी, खून की कमी होना, शरीर में खून की कमी होना एनीमिया बीमारी कहलाती है। यह बीमारी हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर में होती है। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उस समय जो बीमारी होती है उसे एनीमिया कहते हैं या खून की कमी कहते हैं। जबकि एनीमिया बीमारी होती है कुछ विटामिन की कमी से भी होती है। यहाँ पर कह सकते हैं कि एनीमिया बीमारी B6, B9 और B12 की कमी से भी होती है। यानी एनीमिया बीमारी के लिए हीमोग्लोबिन की कमी से बीमारी होती है और यह बीमारी जो है B6, B9 और B12 की कमी से भी होती है। एनीमिया बीमारी खून की कमी, यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया बीमारी है, खून की कमी है, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि आप ऐसा करिए, गुड़, पालक, आंवला और हरी पत्ते वाली सब्जी का सेवन करिए। यदि किसी व्यक्ति को अगर एनीमिया बीमारी है तो उसे कहा जाता है कि गुड़, पालक, आंवला और हरी पत्ते सब्जी का सेवन करिए, जिससे आपके शरीर में खून की जो मात्रा है बढ़ जाती है आपकी। तो यहाँ पर एनीमिया बीमारी जो होती है ये हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। अब बात करते हैं हम लोग हीमोफीलिया बीमारी की। हीमोफीलिया, इस बीमारी में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। यानी हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी बहता हुआ रक्त रुकता नहीं है इसमें। तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया। यहाँ पर हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक बीमारी है, इसके अंदर बहता हुआ रक्त रुकता नहीं है। ये बीमारी जो होती है ज़्यादातर जो होती है पुरुषों में होती है, लेकिन इसकी बीमारी का जो वाहक है वो महिलाएँ होती हैं। यहाँ पर इस बीमारी में होता क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता। जबकि रक्त का थक्का बनाने के लिए जो विटामिन जिम्मेदार है वो के है। रक्त का थक्का बनाने के लिए जो विटामिन जिम्मेदार है वो के है, और विटामिन के की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है हीमोफीलिया की, जो कि एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, जबकि विटामिन के की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं बनता। लेकिन वो जब विटामिन की पूर्ति हो जाती है तो रक्त का थक्का बनने लग जाता है। लेकिन ये इस बीमारी का इलाज नहीं है हीमोफीलिया का, क्योंकि एक अनुवांशिक बीमारी है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर BCG का टीका लगता है डिप्थीरिया के उपचार में, काली खांसी के उपचार में, टिटनेस के उपचार में या फिर TB के उपचार में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, BCG की अगर बात की जाए तो उसकी फुल फॉर्म है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ये बेसिलस तो एक जीवाणु का प्रकार है और कैलमेट ग्यूरिन उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने टीके की खोज की थी। तो BCG का टीका जो लगता है ये TB बीमारी के उपचार में लगता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है उसके उपचार में टीका लगता है BCG का। जबकि एक टीका और लगता है DPD का टीका। तो कह सकते हैं कि DPT का जो टीका होता है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस बीमारी के उपचार में लगता है। तो यहाँ पर DPT का टीका जो होता है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस बीमारी के उपचार में लगता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन कौन सी बीमारी ऐसी है जो कि जीवाणु के द्वारा होती है, जैसे प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कोड़ और निमोनिया, हैजा। तो सभी बीमारी ऐसी हैं जो कि आपकी जीवाणु के द्वारा होती हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं। इन्हीं बीमारियों को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पंडित जी का टीका न्यू है, तो यहाँ से भी हम याद कर सकते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम। जैसे कि यहाँ पे पा का जो मतलब है ये प्लेग है और डी का जो मतलब है आपका
ये डिप्थीरिया है, पा का मतलब प्लेग है और डी का मतलब यहाँ पर डिप्थीरिया है और ता का जो मतलब है ये तपेदिक है। तो यहाँ पर तीन बीमारी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं जी, तो यहाँ पर जी जो है साइलेंट है। का की अगर बात की जाए तो काली खांसी, और टा की अगर बात की जाए तो उससे दो बीमारियाँ टा से, एक टिटनेस और एक टाइफाइड, टिटनेस और टाइफाइड। और यहाँ पर एक का की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कोड बीमारी जो होती है ये भी जीवाणु के द्वारा होती है। न्यू की बात की जाए तो निमोनिया, और है की बात की जाए तो हैजा। तो इससे भी आप बीमारियों के नाम आप याद कर सकते हैं। तो ऐसा करिए, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए जब तक आप। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो बीमारी होती हैं विषाणुओं के द्वारा, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पर कौन सी बीमारी ऐसी है जो कि विषाणु या वायरस के द्वारा होती है? तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू इसका टॉपिक को हम कम्प्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कि क्वेश्चन पूछा है इसने कि विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है रेबीज, खसरा या मीजल्स, हर्पीस या सभी, यानी सभी बीमारियां जो होती हैं ये विषाणु के द्वारा होती हैं। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर सही जो आंसर है डी, यानी डी होगा सभी, यानी रेबीज, मीजल्स यानी खसरा और हर्पीस बीमारी जो होती हैं ये सभी विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी हैं। अब देखते हैं, पहले रेबीज की देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रेबीज नाम की बीमारी जो होती है ये कुत्ते के काटने से होती है, कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से जो बीमारी होती है रेबीज नाम की बीमारी होती है। और रेबीज बीमारी के लिए जो वायरस जिम्मेदार है उसका नाम है आपका रैबडो वायरस, यानी कह सकते हैं कि रैबडो वायरस के द्वारा जो बीमारी होती है ये है रेबीज। इसके अगर लक्षण की बात करें तो इसमें रोगी एकदम से पागल हो जाता है और जीभ अपनी बाहर की ओर निकालना शुरू कर देता है। तो कह सकते हैं कि इस बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है, रोगी पागल हो जाता है और बार बार जीव अपनी बाहर की ओर निकालता है। तो कह सकते हैं कि इस बीमारी का मुख्य, जिस अंग पे इस बीमारी का प्रभाव पड़ेगा वो अंग होगा आपका मस्तिष्क, यानी कि इस बीमारी में जो प्रभावित अंग होगा आपका ये मस्तिष्क होगा, ब्रेन होगा हमारा। तो यहाँ पर बीमारी थी रेबीज, जो कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से होती है, जिसके लिए रैबडो वायरस जिम्मेदार है। अब बात करते हैं खसरा या मीजल्स, खसरा या मीजल्स। खसरा जो बीमारी होती है इसमें चेहरे पर गहरे निशान पड़ जाते हैं, चेहरे पर एकदम से गहरे निशान जो दिखने को मिलते हैं ये बीमारी है खसरा। खसरा बीमारी जो होती है ये मोबली वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है खसरा। तो यहाँ पर खसरा बीमारी के लिए मोबली वायरस जिम्मेदार हैं, जिसमें चेहरे पर काफ़ी गहरे निशान पड़ जाते हैं। अब बात की जाए हर्पीस की, तो इसका मुख्य जो लक्षण है ये त्वचा में स्वेलिंग आना, त्वचा में सूजन होना है। हर्पीस बीमारी में त्वचा में सूजन हो जाती है, हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाती है। इस बीमारी का मुख्य जो वायरस है ये हर्पीस है, यानी हर्पीस नाम की बीमारी जो होती है ये हर्पीस वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन बीमारी ऐसी हैं जो कि वायरस के द्वारा होती हैं, रेबीज, खसरा और हर्पीस। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, विषाणु या वायरस जनित रोग कौन कौन सा है, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा या सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ये सभी हैं, यानी मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस और ट्रैकोमा, ये तीनों बीमारी ऐसी हैं जो कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी हैं। अब देखते हैं कि कौन सी बीमारी किस वायरस के द्वारा होती है। यहाँ पर ये मेनिनजाइटिस जो बीमारी है एक तरह से दिमागी बुखार है, ये इसे हम लोग कहते हैं दिमागी बुखार।
जब बच्चों को बुखार उनके दिमाग पर जब चढ़ जाता है और वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, उस समय जो बीमारी होती है वो मेनिनजाइटिस दिमागी बुखार है। और इसके जो वायरस का नाम है ये भी मेनिनजाइटिस है, मेनिनजाइटिस वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है मेनिनजाइटिस, इसे दिमागी बुखार भी हम कह सकते हैं। बात की जाए हेपेटाइटिस की तो इसे पीलिया कहते हैं, यानी पीलिया बीमारी को ही हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं या जॉन्डिस कहते हैं, क्योंकि पीलिया बीमारी का जो वायरस है वही आपका हेपेटाइटिस वायरस है। पीलिया बीमारी में क्या होता है कि हमारे हाथ पैर पीले पड़ जाते हैं, हमारे नाखून इसमें पीले पड़ जाते हैं, लेकिन पीलिया बीमारी का सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो हमारे पड़ता है लिवर पर, यकृत पर। यानी कह सकते हैं कि पीलिया बीमारी में जो प्रभावित अंग है वो यकृत है या फिर लिवर है। तो यहाँ पर पीलिया बीमारी जो होती है ये हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। बात की जाए ट्रैकोमा तो इसका मुख्य लक्षण है आँखों का लाल होना, आँखों का लाल होना। ट्रैकोमा बीमारी जो है इसका संबंध आँखों से, इसमें आँखें एकदम से लाल हो जाती हैं और इसके वायरस का नाम भी ट्रैकोमा वायरस है। तो यहाँ पर ट्रैकोमा जो बीमारी है ये भी आपके वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर देखा मेनिनजाइटिस बीमारी के बारे में, हेपेटाइटिस या पीलिया बीमारी के बारे में और ट्रैकोमा बीमारी के बारे में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरियोला वायरस से होने वाली बीमारी है पोलियो, एड्स, चेचक, चिकन पॉक्स, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, कौन सी बीमारी ऐसी है जो वेरियोला वायरस के द्वारा होती है। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है, अगर बात की जाए यहाँ पर इसका सही आंसर की, तो सही आंसर है आपका चेचक। चिकन पॉक्स बीमारी जो होती है ये वेरियोला वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। चिकन पॉक्स में क्या होता है, चेचक में क्या होता है कि शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। इस बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है, शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं और हल्का सा बुखार आता है। तो यहाँ पे बीमारी है चेचक और इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार हैं ये वेरियोला वायरस जिम्मेदार है। ऐसा ही एक वायरस और है आपका वेरीसेला, वेरीसेला, वेरीसेला वायरस के द्वारा छोटी माता होती है, स्मॉल पॉक्स होते हैं, इसमें भी बीमारी में क्या होता है बुखार आता है और शरीर पर दाने निकल आते हैं, यानी संपूर्ण शरीर इस बीमारी में प्रभावित होता है। तो कह सकते हैं कि वेरीसेला वायरस जिम्मेदार है छोटी माता के लिए। अब बात की जाए पोलियो, तो पोलियो बीमारी जो होती है इसमें एंटीरो वायरस जिम्मेदार है पोलियो बीमारी के लिए, जिसमें इस बीमारी का जो असर पड़ता है ये असर पड़ता है हमारी तंत्रिकाओं पर, हमारी नर्व पर और रीढ़ की हड्डी पर और पैरों पर। यानी पोलियो बीमारी में जिन अंगों पर प्रभाव पड़ता है वो अंग हैं आपके रीढ़ की हड्डी, पैर और हमारी तंत्रिकाएं यानी नर्व, इसमें असर पड़ता है पोलियो बीमारी में। यहाँ पर पोलियो का जो टीका है उसको OPV का कहते हैं, OPV टीका। OPV का मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन, जितने भी टीके होते हैं वो लगाए जाते हैं लेकिन पोलियो का टीका जो होता है ये पिलाया जाता है। यहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन है आपका टीका पोलियो के लिए। अब बात करते हैं एड्स बीमारी की, तो एड्स बीमारी का जो वायरस है ये HIV वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है एड्स। इस बीमारी में जो प्रभावित अंग है हमारा ये प्रतिरक्षा प्रणाली है हमारी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है आपका ये प्रभावित होता है एड्स बीमारी में। और एड्स बीमारी जो होती है ये HIV वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के लिए जो टेस्ट है उसको इलीसा टेस्ट कहा जाता है, एड्स बीमारी में इलीसा नाम का टेस्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं चेचक की, चेचक के बारे में जानते हैं कि वेरियोला वायरस जिम्मेदार है चेचक के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन सी बीमारी ऐसी है जो वायरस के द्वारा होती है, तो पोलियो, एड्स, चेचक और छोटी माता, ये चारों बीमारी ऐसी हैं जो कि वायरस के द्वारा होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आरवो वायरस द्वारा होने वाली कौन सी बीमारी है, डेंगू ज्वर, गलसुआ या फिर मम्स,
इन्फ्लुएंजा, जुकाम यानी कोल, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। तो आर ओ आर एस के जो बीमारी होने वाली बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है ये डेंगू ज्वर है, कि डेंगू ज्वर बीमारी जो होती है ये आर ओ वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। लेकिन डेंगू ज्वर का जो वाहक है एक मच्छर है, ये बीमारी जो होती है ये मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा जो बीमारी होती है ये डेंगू ज्वर है। और इसका वायरस जो है आपका ये आर ओ वायरस जिम्मेदार है इस बीमारी के लिए, डेंगू ज्वर बीमारी के लिए। तो कह सकते हैं कि वाहक कौन सा है इसका, तो इस बीमारी का वाहक क्या आ गया, इस बीमारी का वाहक हो गया आपका मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा डेंगू ज्वर की बीमारी होती है। और आर ओ वायरस जिम्मेदार है आपका किसके लिए, डेंगू ज्वर के लिए। डेंगू ज्वर के मुख्य लक्षण की अगर बात करें तो बीमारी में होता क्या है, जोड़ों में दर्द होता है यानी हड्डियों के जोड़ जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं डेंगू ज्वर को, जो कि एक मच्छर के द्वारा होने वाली बीमारी है। और उस मच्छर का नाम क्या है, मादा एडिस एजिप्टी, और ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। अब बात करते हैं हम लोग गलसुआ या मम्स बीमारी की। इस बीमारी का जो वायरस है उसको बोलते हैं मम्पस वायरस, के द्वारा ये बीमारी होती है आपकी गलसुआ। इसमें होता क्या है कि हमारी कान के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, यानी हमारी जो लार ग्रंथि है पैरोटिड जो लार ग्रंथि है वो इस बीमारी में प्रभावित होती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी कान के नीचे एकदम से स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए इस बीमारी को बोलते हैं गलसुआ, जो कि मम्पस वायरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। अब बात की जाए इन्फ्लुएंजा की, तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू कहते हैं, इस बीमारी का प्रभाव पड़ता है हमारे श्वसन तंत्र पर, सांस लेने में तकलीफ होती है इस बीमारी में, इन्फ्लुएंजा में या फ्लू में। जबकि इस बीमारी के लिए जो वायरस जिम्मेदार है आपका उसे हम कह सकते हैं आर्थो मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा बीमारी जो होती है ये आर्थो मिक्सो वायरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है, जिसमें प्रभावित होता है हमारा श्वसन तंत्र। अब बात करते हैं जुकाम, तो सामान्य से जो सर्दी जुकाम होते हैं उनके लिए क्या जिम्मेदार है, तो उनके लिए जो वायरस है वो जिम्मेदार है। तो जुकाम जो होता है ये राइनो वायरस के द्वारा होता है जुकाम। सामान्य सर्दी जुकाम होने के लिए एक वायरस जिम्मेदार है, उसका नाम है राइनो वायरस। अब बात करते हैं हम लोग भोजन विषाक्तता की या फूड पॉइजनिंग की। तो ख़राब खाना खाने पर जो बीमारी होती है उसको भोजन विषाक्तता कहते हैं, जो कि एक भोजन विषाक्तता की अगर बात की जाए तो ये बीमारी जो होती है आपकी एक जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। वैसे तो ये अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाली एक बीमारी है, और इसके जीवाणु का नाम क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है भोजन विषाक्तता, जबकि बाकी सारी बीमारी ऐसी थी जो कि वायरस के द्वारा होती हैं, जैसे कि डेंगू ज्वर, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। जबकि यहाँ भोजन विषाक्तता बीमारी जो होती है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु के द्वारा बीमारी होती है भोजन विषाक्तता। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि कौन कौन सी बीमारी ऐसी हैं आपकी जो कि होती हैं वायरस के द्वारा, तो इनको आप ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होगी।
तो यहाँ पे ट्रिक लिख दी है, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, इससे बीमारी का नाम निकालेंगे। जैसे कि रे से मतलब है आपका रेबीज, खा से मतलब है आपका खसरा, हा से अगर बात करें तो यहाँ पर ये हर्पीस, और मे से अगर बात करें तो यहाँ पर है मेनिनजाइटिस, ही की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है ये हेपेटाइटिस, और टा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये ट्रैकोमा। तो ये सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि वायरस के द्वारा होती हैं। यहाँ पर करके जो साइलेंट रहेगा, अगर पोइचे में पो की अगर बात करें तो यहाँ पर पोलियो, ए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एड्स है ये, और चे का मतलब है आपका यहाँ पर चेचक, और छो का जो मतलब है यहाँ पर छोटी माता, और डा, अगर डा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेंगू ज्वर के द्वारा बीमारी होती है, और गा की अगर बात की जाए तो गलसुआ, और ई की अगर बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा। तो सभी बीमारी ऐसी हैं जो कि वायरस के द्वारा होती हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा एक फ्लू था, जैसे कि बर्ड फ्लू, अगर बर्ड फ्लू की अगर बात की जाए तो बर्ड फ्लू जो होती है ये H5N1 वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, या स्वाइन फ्लू की अगर बात की जाए तो स्वाइन फ्लू जो है ये H1N1 वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो इस टॉपिक में आप जान गए कि कौन कौन सी बीमारी ऐसी हैं जो कि वायरस के द्वारा होती हैं। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। तो इसमें मैंने बता दिया आपको जीवाणु के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती हैं, कौन सी बीमारी होती हैं विषाणु के द्वारा। अब आपकी दो पॉइंट और रह गए हैं कि कौन सी बीमारी होती हैं कवक के द्वारा और कौन सी बीमारी होती हैं प्रोटोजोआ के द्वारा। तो कवक और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली जो बीमारियाँ हैं आपकी, उसे हम अपनी दूसरी वीडियो में कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप अपने कॉपी में अच्छी तरह नोट कीजिएगा, जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारियाँ और विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारियाँ, ठीक है। तो टॉपिक हम अपना इतना ही रखते हैं। Thank you very much.